महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान संस्कृत महाकुंभ होना है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 4 IPS और 11 पुलिस अधीक्षकों की तैनाती की गई है। साथ ही 6 कंपनी PSC समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी सुरक्षा में लगाया गया है। पुलिस महानिदेशक के कार्यक्रम स्थल और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएँ समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति सोमदेव सुतांशु ने कहा कि कार्यक्रम में पहले दिन उपराष्ट्रपति और अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। कल महामहिम उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए करीब 4 IPS अधिकारी और 11 एडिशनल SP और SP, 6 कंपनी PSC और बड़ी संख्या में आर्मर्ड पुलिस और सिविल पुलिस के जवानों की नियुक्ति की है, जो रूप में से लेकर या कार्यक्रम स्थल तक रहेंगे। साथ ही कंटिजेंसी जो भी हॉस्पिटल है, आगामी 23, 24, 25 दिसंबर को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के द्वारा महर्षि दयानंद के द्विजन्म शताब्दी के अवसर पर यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मैं समझता हूँ, मैं 33 साल से इस विश्वविद्यालय में कार्य कर रहा हूँ, इस अवधि में इतना बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया कि जिसमें इतने सारे महापुरुष, इतने नेता पधारे हों और जिसमें 700-800 कॉन्फ्रेंस के शोध गोष्ठी में भाग लेने के लिए शोध पत्र आए हों। बिल्कुल, कांगड़ी विश्वविद्यालय के इतिहास में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के इस शुभ अवसर पर और इस विश्वविद्यालय के संस्थापक अमर हुतात्मा स्वामी सदानंद जी की, जिसको हम पुण्यतिथि बोलते हैं, 97वीं पुण्यतिथि के इस अवसर पर ये 3 दिवसीय वैदिक ज्ञान विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ, एक 3 दिन की, जिसको हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पर हो रहा है।